डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेवन आवर पास्ट। आवर पास्ट मतलब हमारा बीता हुआ कल, कितना पुराना। पास्ट में हम लोग जब प्रश्न पूछता है व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप कहते हो कितना पुराना, तो क्या कह रहा है। हम पास्ट क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इन सब बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। हमारा क्या कह रहा है, वाई, क्यों, क्यों सर पास्ट पढ़ा रहे हैं, क्यों। तो मैं कहूंगा आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कौन सा प्रश्न, व्हाट, कौन सा प्रश्न, वेयर, कौन सा प्रश्न, हाउ, एंड और कौन सा प्रश्न, व्हेन। ठीक है, इतनी बातें आपके सामने है ना, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इन बातों का जवाब देने देता है कौन, हमारा पास्ट। जैसे व्हाट कैन बी नोन अबाउट द पास्ट, व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। अब पास्ट चूंकि इतना छोटा सा तो है नहीं, अभी कल की बात है या परसों की बात है या नर्सों की बात है, पास्ट में एगो, लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो चलता रहता है। दूसरा, चूंकि हम इंडिया का पास्ट है तो इसको ये नाम कहां से मिले, इंडिया या भारत, इंडिया या भारत कहां से नाम मिला। दूसरा प्रश्न का जवाब ये देगा कि इंडिया या भारत क्या मतलब, इंडिया या भारत। आपने सोचा इंडिया या भारत, अलग अलग नाम और भी नाम है, जैसे आर्यावर्त या जो भी है, ये अलग बात हो जाता है, ये अलग मुद्दा हो जाता है। और किस प्रश्न का उत्तर देगा, पास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, पास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, और पास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ साथ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और बीसी एंड एडी, व्हाट इज बीसी एंड व्हाट इज एडी, बीसी एंड एडी और स्टोन्स ऑफ इजिप्ट। देखो हम पारे लेसन पे चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए मजा आएगा। थोड़ा पहला दिन है, पहली पाठ है, पहला शुरुआत है, पास्ट थोड़ा सा मतलब नीरस ना हो जाए, आपको मजा आना बंद ना हो जाए, इसलिए हम कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो आप कहोगे लोग कहां रहते थे, भाग का नाम क्या क्या कर पड़ा, कैसे कैसे पढ़ा, उस समय की मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी, इंस्क्रिप्शन क्या हुआ करता था, बीसी और एडी ये कैसे डेट हैं, उसके बाद लास्ट में स्टोन्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के स्टोन्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, प्रश्न यह उठता है कि लोग कहां रहते थे, अब किन लोगों की बात हो रहा है, आदिमानव, अर्ली मैन, मेडिवल मानव, मध्य युग के लोग या थोड़ा पहले के लोग। जब रहने की बात आएगी सबसे पहले हम उठाएंगे द अर्ली मैन, क्योंकि पास्ट वहीं से शुरू हो जाता है, आज से हजारों लाखों साल पहले लोग कहां रहते थे। सबसे पहले तो लोगों के पास घर का मतलब ही नहीं पता था, तो घर का सवाल ही नहीं उठता, घर की चर्चा ही नहीं उठती। ओके, फिर वो कहां रहते थे, जंगलों में रहते थे, क्योंकि जंगल ही जंगल तो थे, ये घर मैदान मतलब ये कुछ नहीं, जिसे आप लोगों को आज लिखाई,
सब जगह जंगल 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 जंगल, आप जहां वहां भी जंगल, मैं जहां वहां भी जंगल, सब जगह जंगल था जंगल। तो कहां रहते थे? जंगल में। अब ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरे घर से दूर वहां फला गांव में जंगल है तो वहां रहते रहे होंगे, नहीं, जहां आप वहां भी जंगल ही था, जंगल ही जंगल था, तो जंगल में ही रहते थे। अब समस्या इस बात की, पानी बरसा, धूप तेज हुई, ठंडी पड़ी, तो कहां रहते थे? पहले तो पेड़ों के नीचे रहते रहे होंगे, फिर धीरे धीरे समय बीता होगा, 100, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, गुफाओं में रहना शुरू किए, जो कि प्रकृति में अपने आप बनता है, नेचर में कुछ जगह पत्थर के बीच में गैप हो जाता है, जमीन के अंदर जगह हो जाती है, तो उससे गुफा कहते हैं, वहां सुरक्षित लगा होगा उनको, वहां रहना शुरू किया होगा, हो सकता है वहां जानवर आते हो उनको पहले भगाया होगा, ठीक है, इस तरह गुफाओं में रहना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ा, उन्होंने थोड़ा बहुत छप्पर वगैरह जोड़ करके कुटी टाइप में, जैसे आप लोग देखते हो ना, उस टाइप में रहना सीखा, आपके चित्र में दिया गया, आप चित्र में देख सकते हैं तरह तरह की चीजों को, अलग अलग चीजों को, पुराने जमाने के चित्रों में आप ये सब देख सकते हैं। तो इस तरह से वो कुटिया वगैरह में रहना शुरू किए, फिर धीरे धीरे अच्छे मकान बनाने शुरू किए, फिर और अच्छे मकान बनाना शुरू किए, फिर और अच्छे मकान बनाना शुरू किए, फिर और अच्छे मकान बनाना शुरू किए, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, क्या क्या कैसे कैसे, तो हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला प्रश्न था वेयर डिड पीपल लिव, तो आपको जवाब मिल गया कि लोग कहां रहते थे। लोग रहते थे पहले पेड़ों के नीचे, फिर गुफाओं में, फिर छप्पर के नीचे, फिर अच्छे घर, फिर और अच्छे घर, फिर बहुत अच्छे घर। ये तो बाय द क्लासेस ऑफ टाइम हो गया। दूसरा, इंडिया को इंडिया या भारत क्यों कहते हैं? इंडिया शब्द अंग्रेजी है तो साफ साफ समझ लीजिए, ये नाम तो किसी भारतीय ने रखा नहीं होगा, हाँ किसी अंग्रेज ने रखा होगा। आप लोग देखते हैं फिल्म लगान, भूआ अगर तुम हमको मैच हराता है तो हम तेरे लगन माफ कर देंगे, हाँ? वो अंग्रेज लोग ना, हाँ, द पीपल हु लिव्स इन इंग्लिश प्लेसेस, दे पुट दिस नेम इंडिया। भारत, भारत नाम रखने के पीछे बहुत सारी बातें सामने आती हैं। हम आते हैं प्राचीन काल को छोड़कर मध्य काल में, जब राजा महाराजाओं का युग हुआ करता था, तो हमारे पास कुछ कहानियां ऐसी मिलती, जैसे शकुंतला हुआ करती थी, राजा दशरथ, सॉरी शकुंतला के पति, सॉरी मिस्टेक हो गई, दुष्यंत हुआ करते थे, उन दोनों के एक प्रतापी पुत्र पैदा हुआ भरत, ठीक है, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में जहां तक गया उस स्थान को क्या बोला गया? भारत। इसी प्रकार आर्यखंड में एक और शाखा भरतखंड नाम की शाखा खाका पाई जाती थी, उन्होंने अपना जहां तक विस्तार किया वहां तक हो गया भारत। देखिए कुछ चीजें मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, उनको अपनी किताबों से आप डायरेक्ट रिलेटेड मत कीजिएगा, अब जानकारी देने का मौका किताबें भी देती हैं तो हम भी आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी बातें आती जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, मेरी इंग्लिश स्क्रिप्ट है। हिंदी के पाठ में हिंदी में लिखवाता हूं, वो मेरी हिंदी स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अलग अलग भाषाओं में आपको स्क्रिप्ट लिखवाते रहते हैं। उस जमाने में भी एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, बड़े अजीब ढंग से लिखी जाती थी, जैसे इस तरह से, इस तरह कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जिसे हम आप पढ़ने में असमर्थ है, लेकिन हाँ जानते हैं कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, आप श्योर रहिए। तो इसमें इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हमको पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, इन स्क्रिप्टों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है बीसी और एडी, ये बीसी क्या होता है और ये एडी क्या होता है, ये है टाइम बांटने का तरीका, हम इसको रखते हैं अपनी जानकारी के अनुसार, अगले वीडियो में हो सकता है कुछ और भी क्लियर करें आपको। एक होता है जीरो ईयर, जीरो ईयर आप मैथ से पढ़ते हो ना, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, -1, -2, -3, -4 हाँ, आप इंटीजर्स पढ़ते हो ना। चलो एक और प्रकार के इंटीजर्स में चलते हैं, टाइम इंटीजर्स। टाइम इंटीजर्स में एक समय को हम जीरो मानते हैं, उस टाइम के बाद यानी आफ्टर, एडी में होता है आफ्टर, ठीक है, और बीसी में होता है बिफोर, ठीक है ना।
बीसी में बिफोर, उस जीरो टाइम से पहले और उस जीरो टाइम के बाद। इसको अलग लोग अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में बांटते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फुल फॉर्म इसका यही होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को बीसी कहते हैं। एडी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद के समय को एडी कहते हैं, यानी जब से जीसस पैदा हुए और जब मरे, उनके बॉर्न से लेकर के डेथ तक के बीच के टाइम को हम जीरो टाइम मान सकते हैं, अगर इस व्याख्या की हम बात करें तो। वैसे भी अगर अन्य किसी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो हम आपसे अवश्य उस विषय में व्याख्या करेंगे। फिलहाल तो आपके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है कि बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी माने आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, टाइमिंग के बात को लेकर के। फिर आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा आगे जो हमको पढ़ाना है आपको, स्टोन्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के स्टोन जिन्हें आप क्या कहते हो, जिन्हें आप रोसेट कहते हो या कुछ भी कहते हो, उन सब विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आई होप कि आपको इस पार्ट को पढ़ने में मजा आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं कुछ और बातों का जवाब ढूंढने कि हम लोगों के बारे में क्यों पढ़ते हैं। केवल लिविंग हैबिट नहीं, ईटिंग हैबिट, क्या क्या ईटिंग हैबिट, पाला वो क्या खाते थे, समय के अनुसार खान पान बदला। दूसरा क्लोथिंग हैबिट, किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह कपड़ों में परिवर्तन होता गया, दो हैबिट हो गया। तीसरा आता है आपका हाउसेस, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं, पहले कैसे घर थे, उसके बाद कैसे घर थे, उसके बाद कैसे घर थे, उसके बाद कैसे घर थे। फिर आता है लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट पीपल, एक ही समय में अलग अलग लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, एक ही समय में अलग अलग स्थान पर रहने वालों को लाइफ स्टाइल अलग अलग थी, लाइफ स्टाइल डिफरेंट, यानी डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ओके ओके, अरे यस सर तो बोलिए यार, कम से कम हम सुन लेंगे, आप अपने मोबाइल बोलोगे ठीक है ना, वेरी गुड। और गेम्स, स्टोरीज और सांग, मनोरंजन के साधन के रूप में प्राचीन काल से आज तक दो तीन चीजें बनी हुई हैं, जैसे गेम्स। आजकल आप लोग तरह तरह के गेम्स खेलते हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल। आपसे पहले के लोग बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, उसके पहले के लोग कुछ और खेलते थे, उसके पहले के लोग कुछ और खेलते थे, राजा महाराजा शिकार खेलते थे, जंगलों में जाके जानवरों का शिकार करते थे। अब शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने आदेश चला दिया, जानवर मारो सीधे जेल जाओ आप भी। जैसे आप इंसानों के मारने पर जेल जाते हो, वैसे जानवरों के मारने पर भी आपको लंबी जेल हो सकती है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। गेम्स तरह तरह के लोग हमेशा खेलते आए, स्टोरीज अपने अपने समय की अपनी अपनी स्टोरीज दादी अम्मा सुनाती थी, एक था राजा एक थी रानी, राजा रानी मर गए, खत्म कहानी, पता नहीं क्यों कौन सी। वैसे कहानी से कोई हानि नहीं होती, बस आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, आपकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। आप कहानी को सुनते हो तो कच्ची में आप कहानी सुनते सुनते खो जाते हो और आप उस कहानी में पहुंच जाते हो, सचमुच का राजा दिखने लगता है आपको, सचमुच की रानी दिखने लगती है आपको कहानी सुनते सुनते। ऐसे अपने अपने समय की अपनी अपनी कहानियां होती थी, राजा रानी कहानियों के अलावा अन्य कहानियां भी हो सकती हैं, भूतों की कहानियां हो सकती है, परियों कहानियां हो सकती हैं। चिल्लाओ मत, शांति से देखते रहो उसके बाद। फिर क्या कह रहा है, फाइनली उनके सॉन्ग्स, अलग अलग टाइम के अलग अलग सॉन्ग्स, ठीक है ना। अरे सॉन्ग का मतलब वो वाला मत कर लेना, आला वारा मेरा केला वारा वाहन केला खड़ा हुआ हट, ऐसे नहीं यार, ठीक है ना। सॉन्ग्स अपने अपने समय के होते हैं, आज के समय में सॉन्ग उसमें देशभक्ति गीत, राष्ट्रीय गीत, तरह तरह के गीत आते हैं, मनोभावक गीत, मनोरंजक गीत, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार गीत, अपने अपने समय के अनुसार गीत, ठीक है ना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो आपको इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है, इन्हीं सब चीजों को अच्छे समझना है, आंख खोल के अपने आप को कौड़ी से पकौड़ी बना लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। हम इन्हीं सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विश्वास रखिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। अब आपको इतिहास इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे दादी माई नानी कहानियां सुनाती है, ठीक है ना। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर समझ में आ गया, मजा आना शुरू हुआ हो, हल्का सा भी शुरू हुआ हो, एक बार बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।